फर्जी पूरी सीरीज में कहीं सारे ऐसे अच्छे बातें हैं जो आपको ध्यान से देखना चाहिए। नकली नोट इंडिया में किस तरह से फैलाया जाता है, लालच इंसान को कहां से कहां लेके जाता है, और नकली नोट छापने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। वेलकम बैक बॉलीज विद मनीष। नकली नोट इंडिया के इकोनॉमी में किस तरह से मिस किया जाता है और भी बहुत सारे बातें इस फर्जी सीरीज में आपको देखने मिलेगा जो बहुत मजा आने वाला है। फर्जी की कहानी सानी और फिरोज नाम के दो लड़के पर चलता है। दोनों मिडिल क्लास के हैं लेकिन दोनों का जो सोच है हायर क्लास में एंट्री लेना है, पर दोनों यहाँ तक कर्जे में डूबा हुआ है। बट सानी के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी है और कोई भी चीज को कॉपी पेस्ट करने में बहुत माहिर है, और साथ में एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड भी है। लाइफ में बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता है, तो सानी ने अपने दादाजी के प्रिंटिंग प्रेस में नकली नोट छपने लगता है। फिर एंट्री होती है के मिलन की, जो नकली नोट बिजनेस करने में माहिर है और इंडिया में नकली नोट की सौदागर भी कहा जाता है, और उसका हद लग जाता है शाहिद कपूर। कभी कभार कहा जाता है ज्यादा खाना शरीर के लिए हानिकारक होती है। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है विजय सेतुपति की, जो नकली नोट बिजनेस करने वालों के लिए एक कॉप है, और कोई पकड़ में आ गया तो उसका अच्छे से खातिरदारी जब तक ना करता है तब उसका छोड़ता ही नहीं है। इस सीरीज का हर एक लाइन बहुत अहम है, हर एक लाइन को डिटेल के साथ प्रेजेंट किया गया फर्जी नोट के अगेंस्ट। इस सीरीज में शाहिद कपूर, के मेनन, विजय सेतुपति, अमल पालेकर, बुमन अरोरा, ऋषि खन्ना एंड रेगिना एंड मेनी मोर, इन सबका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया, हर कोई अपना परफॉर्मेंस एक नंबर दिया है। लेकिन स्पेशली ओवरऑल कहा जाए तो शाहिद कपूर और विजय सेतुपति का जो परफॉर्मेंस है ना, देख के मजा आ जाएगा। शाहिद कपूर का वही वाला एटीट्यूड हमें देखने मिलेगा जो हैदर में, जो कमीना में, जो हमें कबीर सिंह में देखने मिला था, वैसा धमाका इसमें देखने मिलेगा। विजय सेतुपति साउथ इंडियन हिंदी वॉइस, जब भी वो आपका सामने आता है आपका मुंह में हंसी जरूर आएगा। थैंक गॉड किसी का डब वॉइस नहीं दिया, ओरिजिनल वॉइस, बहुत अच्छा लगा। के मिलन एक फानी नेगेटिव किरदार में जो बहुत ही मजा के अंदाज में हमें देखने मिलेगा, और इस सीरीज का डायलॉग बहुत ही फानी है, ज्यादातर जाकिर हुसैन और विजय सेतुपति के बीच हमें देखने मिलेगा। ओवरऑल ये सीरीज देख के हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि राज एंड डीके हमारे सामने एक नया यूनिवर्स बनाने के लिए तैयारी में जुट चुका है। राज डीके यूनिवर्स या फिर फैमिली मैन यूनिवर्स, जो बीच बीच में हमें कैमियो देखने मिल जाता है या फिर सुनने मिल जाता है, जो आने वाले फैमिली मैन के नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगा या फिर फर्जी के नेक्स्ट पार्ट में हमें जरूर देखने मिल जाएगा। इसमें लव एंगल भी है, बट जितना जरूरत था उतना दिखाया, और ये सीरीज काफी लंबी है, 8 एपिसोड की है, कोई कोई एपिसोड 45 की है, कोई 50, कोई 55 की है, लेकिन लास्ट वाला जो एपिसोड है पूरे 1 घंटे की है। लेकिन आप बोर नहीं होंगे, फुल एंगेज रहोगे और फुल इंटरटेन होते रहोगे, और मेरा वीडियो देखकर आपको इंटरटेन हो गया, हर कोई उंगली करता रहता है, मेरा भी चैनल में उंगली कर दो, फिर कोई ना कोई वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।